लोहिया मानव कल्याण ट्रस्ट, श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करौली आश्रम ट्रस्ट, लाला ओम प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट एवं श्री राम कथा अमृत महोत्सव समिति के तत्वावधान में आज श्री राम कथा अमृत महोत्सव में परम पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा जी के द्वारा द्वितीय दिवस पर राम कथा का शुभारंभ वहीं से किया गया जहां कल कथा को विश्राम दिया गया था। यह राम कथा 9 दिवस चलेगी। आज राम कथा अमृत महोत्सव के द्वितीय दिवस में कथा व्यास जी पंडित पूज्य श्री राम भाई ओझा जी के द्वारा रामचरितमानस की चौपाइयों के साथ शुभारंभ किया गया। व्यास जी के द्वारा बताया गया कि माता कैकेयी निंदनीय हैं या वंदनीय हैं। यदि हम अपनी आंखों से देखें तो माता कैकेयी निंदनीय हैं और प्रभु श्री राम की आंखों से देखें तो वे वंदनीय हैं, क्योंकि राम जी की माता कौशल्या हैं क्योंकि वे उनकी जननी हैं, परंतु राजा राम की माता कैकेयी हैं क्योंकि उन्हीं की वजह से राम राजा बने। कथा में श्रीमती अवधेश लोहिया, श्रीमती कुमकुम गुप्ता, नयन तारा गुप्ता, शिखा गुप्ता, भारती गुप्ता, अनुभव लोहिया, अनमोल लोहिया, आकर्षक लोहिया, अनिल कुमार शर्मा, ज्ञानेंद्र शर्मा, राम रतन शर्मा, राजेश सक्सेना, गौरव अग्रवाल, पंकज सक्सेना, परीश सक्सेना, राकेश गुप्ता, शैलेंद्र प्रकाश गुप्ता, श्याम सुंदर गौड, सचिन गुप्ता, विनीत गुप्ता, राकेश अग्रवाल, प्रदीप शुक्ला, अजय नारंग, विपिन कुमार, सुमित शर्मा, शशि अरोड़ा, मीनू मल्होत्रा, हरिगोपाल शर्मा, के गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। त्मिका क्रियाशक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृपः। कौशल्या मतलब ज्ञान शक्ति, ज्ञान कांड। सुमित्रा उपासना कांड, भक्ति। और कैकेयी कर्म कांड, क्रियाशक्ति। कोई भी क्रिया, कोई भी वैदिक क्रिया भी वेद विहित कर्म क्यों न हो, वो वेद विहित यानी वेद के अनुसार क्रिया क्यों न हो, संपूर्ण शुद्ध नहीं होती। आप यज्ञ कर रहे हो वेद के अनुसार, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं पाप होता है। हाँ जी, इसलिए तो यज्ञ की विधि में फिर प्रायश्चित होम करना पड़ता, कहीं कोई क्षति रह गई, कहीं कोई जीव हिंसा हो गई। बहुत सावधानी के साथ हमारे यहां यज्ञ संपन्न किया जाता है, लेकिन उपले उसमें कहीं कोई सूक्ष्म जंतु है, काष्ठ जो अग्नि में जलाए जाते हैं वो संविधान, उसमें कहीं ना कहीं कोई जीव जंतु, या तो वो सब भीग गए तो अग्नि की जो ज्वालाएं ऊपर उठ रही हैं उसमें कभी कभी कोई जीव जंतु जल जाए, या यज्ञ की विधि में कुछ गलती, कोई प्रमाद, न्यूनातिरिक्त यो विधि सौ उपविष्ट ब्राह्मणानां गणपति प्रसादाच्च, और उपविष्ट ब्राह्मणों के वचन से सब परिपूर्ण हो, वो भी हमारे यहां यज्ञ विधि के अंतर्गत कहते हैं। इसलिए प्रायश्चित होम करना पड़ता। भू स्वाहा, भुव स्वाहा, स्व स्वाहा, भूर्भुव स्व स्वाहा। शुद्ध सुवर्ण से आभूषण नहीं बनता, लगड़ी के रूप में रख लो, इन्वेस्ट कर लो पैसा, 20 किलो की सोने की ईंट है हमारे घर में शुद्ध, उससे आभूषण नहीं बनते। रख लो, धनवान हो
रख लो, इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा। ईंट पहन करके कोई बाहर निकलता है? लकड़ी पहन करके कोई पार्टी में जाता है? आभूषण बनाने पड़ते हैं, और आभूषण शुद्ध सुवर्ण से नहीं बनता। तो हर कर्म उसके साथ कलंक जुड़ा हुआ है, इसलिए कई कई को कलंक लगा। कलंक कई कई को लगा, रामायण में कलंक कई कई को लगा। लोगों ने कई कई की आलोचना करी, लोगों ने कई कई को गाली दी। दशरथ जी ने भी कई कई के साथ